हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे यूज ऑफ ऑन यू, ऑन मी, ऑन द हाउस, ऑन कॉल एंड ऑन द स्पॉट के बारे में कि इन सब फ्रेजेस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रेज के साथ, यूज ऑफ ऑन यू। इसका मतलब होता है आपकी ओर से या आपकी तरफ से। एग्जांपल्स के थ्रू बेहतर समझते हैं, इसलिए पहला एग्जांपल्स देखते हैं। यह पार्टी आपकी ओर से है। दिस पार्टी इज ऑन यू। आज की डिनर आपकी तरफ से है। टुडेज डिनर इज ऑन यू। आज का हमारा थर्ड एग्जांपल है, यह घड़ी आपकी तरफ से है। दिस वॉच इज ऑन यू। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे यह बैग आपकी तरफ से है। दिस बैग इज ऑन यू। यह फोन आपकी तरफ से है। दिस फोन इज ऑन यू। आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ऑन मी, जिसका मतलब होता है मेरी ओर से या मेरी तरफ से। एग्जांपल्स के थ्रू बेहतर समझते हैं, इसलिए पहला एग्जांपल्स, यह समोसा मेरी तरफ से है। दिस समोसा इज ऑन मी। यह उपहार मेरी तरफ से है। दिस गिफ्ट इज ऑन मी। यह पंखा मेरी ओर से है। दिस फैन इज ऑन मी। इसी तरह इसका भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द हाउस, जिसका मतलब होता है जिनके यहाँ आप हो उनकी तरफ से। एग्जांपल्स देखते हैं, यह कार्यक्रम उनके तरफ से है जिनके यहाँ मैं हूँ। दिस प्रोग्राम इज ऑन द हाउस। यह लंच यहाँ के लोगों की ओर से है। दिस लंच इज ऑन द हाउस। यह सेवा यहाँ के लोगों की ओर से है। दिस सर्विस इज ऑन द हाउस। आज का हमारा अगला फ्रेज है ऑन कॉल, जिसका मतलब होता है बुलाने या मंगवाने पर आ जाना। एग्जांपल्स के थ्रू बेहतर समझते हैं, इसलिए पहला एग्जांपल्स, डॉक्टर बुलाने पर आ जाएंगे। द डॉक्टर विल बी ऑन कॉल। खाना मंगवाने पर आ जाता है। द फूड इज ऑन कॉल। मेरा दोस्त बुलाने पर आ जाएगा। माई फ्रेंड विल बी ऑन कॉल। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, जैसे आप बुलाने पर आ जाओगे, यू विल बी ऑन कॉल। आज का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द स्पॉट, जिसका मतलब होता है मौके पर या उसी जगह। एग्जांपल्स देखते हैं इसका, हम लोग मौके पर टिकट खरीदेंगे। वी शैल बाय टिकट्स ऑन द स्पॉट। परमेश ने मौके पर जवाब दिया। परमेश आंसर्ड ऑन द स्पॉट। नवीन ने मौके पर बाजी पलट दिया। नवीन ओवर टर्न्ड द गेम ऑन द स्पॉट। इसी तरह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।